हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक ऐसे खौफनाक बंगले की कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी हमें बताई है सागर मेहता जी ने, वे एक राइटर हैं। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज। वे भी मेरी तरह ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाती हैं। वो बेहद ही क्वालिटी कंटेंट लाती हैं, इसीलिए हो सके तो आप एक बार ज़रूर उनका चैनल विजिट करें, और अगर आपको उनका चैनल पसंद आए तो उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ आज की स्टोरी की तरफ। राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पर है और तान्या एक हाउसवाइफ। उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। वो लोग अपना शहर वाला घर बेच के शहर से थोड़ी दूरी पर बाहरी वाले एरिया में अपने लिए एक नया घर देखने के लिए आए हुए हैं। राजीव अपने ब्रोकर को कॉल कर ही रहा होता है कि सामने से एक बाइक आके रुकती है। अरे मनोज भाई, कितनी देर कर दी आपने, राजीव ने कहा। अरे यार, थोड़ा घर में कामों में उलझ गया था, आइए अंदर चलते हैं, मनोज ने हेलमेट बाइक के ऊपर रखते हुए कहा। मनोज ने चाबी से गेट का ताला खोला और तीनों अंदर गए। एक बड़ा सा चौगान जिसकी एक ओर बड़ी हुई घास तो दूसरी ओर पीपल का बड़ा पेड़ जिसकी डालियां घर की छत को छू रही थी। 2 सालों से यहाँ पे कोई आया नहीं है ना, इसलिए घास इतनी बढ़ गई है। यहाँ के जो मालिक हैं वो दिल्ली में रहते हैं और घर को बेचने की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। आप आइए अंदर आइए, इस सब पे ध्यान मत दीजिए, मनोज ने तान्या को कहा। घर बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत था। एक बड़ा सा दरवाज़ा और दरवाजे के ठीक ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था आशीर्वाद, जो कि उस बंगलों का नाम था। मनोज ने घर का दरवाज़ा खोला। एक बड़ा सा हॉल जहाँ 2 कमरे थे, एक और कमरा था जिसमें कुछ भगवान की फ़ोटो भी टंगी हुई थी। ऊपर की ओर एक और कमरा था और साथ में एक बालकनी जहाँ पीपल के पेड़ की छांव अच्छी महसूस हो रही थी। घर बहुत ही अच्छा है मनोज, मुझे तो पसंद आ गया, राजीव ने कहा। आपको कैसा लग रहा है भाभी जी, मनोज ने तान्या की ओर देखते हुए कहा। जी अच्छा है, तान्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। हमारी तरफ से तो डील डन है भाई मनोज, बाकी अभी तुम इस घर के मालिक को पूछ लो कि पेपर वर्क कैसे कंप्लीट करना है, राजीव ने घर के बाहर जाते हुए कहा। जी मैं आपसे बात करवाता हूँ उनकी, मनोज ने घर को ताला लगाते हुए कहा। तभी वहाँ पे अचानक से कुत्ता आया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। अचानक से उस कुत्ते के ऐसा करने से सभी लोग चौंक गए और तान्या की तो डर के मारे चीख ही निकल गई। मनोज ने उसे भगाने की कोशिश की लेकिन उस कुत्ते पे मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बंगले की तरफ मुँह करके लगातार भौंके जा रहा था। तभी राजीव ने एक पत्थर फेंक के मारा और वो कुत्ता वहाँ से भाग गया। मनोज ने गेट को ताला लगाया। ठीक है राजीव, मैं तो पूछ के बताता हूँ कि क्या करना है, मनोज ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ ठीक है, राजीव इतना कहकर अपनी कार में चला गया और तान्या भी उसके पीछे पीछे गई। कार में बैठी तान्या गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी राजीव ने कहा, घर बहुत अच्छा है, हम थोड़ा सा रेनोवेट करके अच्छा बना देंगे इसे। तान्या का प्रतिउत्तर ना पाकर राजीव ने तान्या को पूछा, क्या हुआ तान्या, क्यों गुमसुम हो, हमारा नया घर अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसा नहीं है राजीव, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, पता नहीं किसी बात का डर लग रहा था, और वो कुत्ता देखा नहीं कैसे अचानक से आके भौंकने लगा। राजीव कहीं हम यह घर लेके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, तान्या ने कहा। अरे तान्या, वो तो घर बहुत सालों से बंद पड़ा था इसीलिए तुम्हें ऐसा आभास हुआ होगा और डर लगा होगा, और रही बात कुत्ते की तो यार कुत्तों का तो काम ही है ना भौंकना, उसमें नया क्या था। अब हमारी गली के बाहर वाला कुत्ता मुझे देखकर डेली भौंकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भूत हूँ, राजीव ने हंसते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर तान्या भी थोड़ा हंसी। तान्या, ये घर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा है क्योंकि एक तो ये मेरे ऑफिस के नज़दीक है, अभी जो मुझे आधा घंटा लगता है अब मैं 15-20 मिनट में ही पहुँच जाऊँगा, और दूसरा बाहर एक बड़ा गार्डन भी है जो कि हमारा होगा, सोचो ना कितना मज़ा आएगा रहने में, और तुम देखना माँ को भी ये घर बहुत पसंद आएगा।
तकरीबन 3 महीने बीत गए। सारा घर का पेपर वर्क पूरा हो चुका था। घर में यहाँ तक कि रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका था। कुछ ही महीनों में तान्या और राजीव अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे कि एक दिन अचानक से शाम को कॉन्ट्रैक्टर विशाल का फ़ोन आया। सर, मजदूर लोग रात को काम करने से मना कर रहे हैं, विशाल ने कहा। क्यों भाई, क्या हो गया, राजीव ने पूछा। सर, मजदूर बोल रहे हैं कि रात को ऊपर के कमरे में से किसी के रोने की तो कभी हंसने की या फिर कभी कभी किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ आती है। क्या यार, बेहूदी बातें कर रहे हो विशाल। तुम्हारे मजदूर रात में नशा वशा तो नहीं करते हैं ना? उन लोगों का वहम होगा या फिर रात को काम नहीं करने का बहाना। तुम उन लोगों को समझाओ यार, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मजदूर काम नहीं करना चाहते, हो सके तो दूसरे मजदूर लेकर आओ। मुझे अपनी शादी की एनिवर्सरी से पहले शिफ्ट होना है, राजीव ने थोड़ा गुस्से में कहा। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ, आप टेंशन ना लें, और विशाल ने कॉल कट कर दिया। कौन था राजीव, किससे गुस्से में बात कर रहे हो? राजीव चौंक गया और पीछे देखा तो तान्या खड़ी थी। राजीव ने सोचा इसको अगर ये आवाज़ों वाली बात बताई तो वो बेवजह डर जाएगी, इसीलिए उसने बात को टाल दिया। 2 दिन बाद जब राजीव ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी विशाल का कॉल आया। सर, आप जरा मुक्ति निवास आ जाइए, विशाल ने थोड़ा गंभीरता से कहा। क्यों, क्या हो गया और पीछे शोर कैसा, राजीव ने पूछा। सर, आप आ तो जाइए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। राजीव जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि गेट के पास भीड़ जमा है और पुलिस की जीप खड़ी है। वो फौरन लोगों को हटाते हुए अंदर पहुंचा। क्या हुआ विशाल, यहाँ भीड़ क्यों जमा है और ये पुलिस? राजीव ने विशाल के ऊपर सवालों की बारिश कर दी। सर, हमारे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। कल रात जब सारे मजदूर अंदर काम कर रहे थे तब ये दोनों ऊपर के कमरे में काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक से एक मजदूर जब ऊपर गया तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। सब ने हर जगह ढूंढा लेकिन कोई कहीं नहीं मिला। फिर अचानक से सुबह पीपल के पेड़ के नीचे इन दोनों की लाश मिली है, विशाल ने सब कुछ बताया। पर इनकी मौत कैसे हो गई, राजीव ने पूछा। हार्ट अटैक से, अचानक से पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर आए और कहा। दोनों को एक साथ हार्ट अटैक, विशाल ने इंस्पेक्टर से कहा। हाँ, डॉक्टर का यही कहना है, शायद ये लोग किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए हैं और डर की वजह से हार्ट अटैक आ गया। जब सब लोग वहाँ से चले गए तब दूसरे मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। राजीव ने बहुत समझाया कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर कोई मजदूर रात को काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर राजीव मान गया और विशाल को बता दिया कि काम सुबह ही होगा। ठीक है सर, पर आपकी एनिवर्सरी तक काम नहीं हो पाएगा, विशाल ने कहा। हाँ, कोई बात नहीं, और कर भी क्या सकते हैं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी ऊपर के रूम की बालकनी में एक औरत की परछाई उभरी जिसके साथ एक बच्चा था। दोनों राजीव की कार को जाते हुए देखे जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। एक पल को शायद राजीव ने इसे नोटिस किया, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा ये उसका वहम है और अपना ध्यान हटा लिया। कुछ महीने बाद जब सारा काम पूरा हो गया तो राजीव, तान्या और उसकी माँ सुभद्रा जी तीनों आशीर्वाद बंगलों में शिफ्ट हो चुके थे। उनको यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए यही कुल 10-12 दिन हो चुके थे। उनके साथ उनकी नौकरानी सविता थी जो कि उन्हीं के साथ रहती थी। नीचे एक रूम में पूजा घर था, उसके बगल वाला रूम सुभद्रा जी का था और ऊपर वाला रूम राजीव और तान्या का था। एक दिन शाम को सुभद्रा जी बगीचे में बैठे कुछ सोच रहे थे कि तभी सविता ने आके कहा, क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हो? सविता ने सुभद्रा जी के पास बैठते हुए पूछा। क्या बताऊं सविता, यहाँ कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी होती है। जब भी इस पीपल के पेड़ को देखती हूँ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मानो पेड़ की टहनियों के बीच में से कोई देख रहा है। जब से यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है। भगवान की फ़ोटो हर रोज़ दीवार पे से नीचे गिर जाती है, दिया जलाओ तो थोड़ी देर बाद जल के बुझ जाता है, पूरी रात कुत्ते रोते हैं, राजीव और तान्या भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगते हैं। पहले तो ये सब नहीं था और ये सब तभी शुरू हुआ है जब हम यहाँ पे आए हैं। अरे माँ जी, वो सब इसीलिए आपको लग रहा है क्योंकि ये नई जगह है और ऊपर से घर आखिर में है ना, इसीलिए ना किसी गाड़ी की आवाज़ आती है और ना ही किसी इंसान की।
इसी वजह से शायद आपको भूतों की आवाज़ आ रही है, उसने थोड़ा हंसते हुए कहा। थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। और रही बात फ़ोटो गिरने की, तो कल मैं आपको दूसरी जगह कील ठोक के दे दूँगी। अब आप जाके आराम कीजिए, मुझे खाना बनाने जाना है। रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास लाइट चली गई। सभी लोग उस वक्त अपने अपने कमरे में ही थे। सुभद्रा जी ने सविता को मोमबत्ती के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर ना मिलने के कारण धीमे धीमे सुभद्रा जी रूम के बाहर निकली कि तभी उन्हें दरवाजे से थोड़ी दूरी पर दो चमकती हुई आँखें देखीं, और वो आँखें सीधा उनकी आँखों में ही घूर रही थी। ये देखकर उनकी चीख निकल गई। सभी लोग हॉल में आ गए और सविता भी किचन से आ गई। राजीव ने मोबाइल टॉर्च सुभद्रा जी की ओर घुमाई तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उन्होंने राजीव की ओर देखते हुए दरवाजे की ओर अपनी उंगली की और बस इतना ही बोल पाई, वो आँखें। राजीव ने टॉर्च दीवार की ओर घुमाई। अरे माँ, ये तो एक बिल्ली है, तुम बिल्ली से डर गई? राजीव ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली लपक के बाहर चली गई। सुभद्रा जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो कुछ बोल नहीं पाई। राजीव ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, ये बिल्ली घर में कैसे आई? पता नहीं साहब, मैंने तो शाम को सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, सविता ने कहा। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। सुभद्रा जी हॉल में ही सोफे पर बैठे कुछ सोच रही थी कि सविता ने आके कहा, माँ जी जाके सो जाइए, 12 बजने को आए हैं। सुभद्रा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सविता ने थोड़ा पास जाके पूछा, क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हो आप? सविता, वो बिल्ली, सुभद्रा जी ने थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। अरे माँ जी, पता नहीं वो बिल्ली कहाँ से आई होगी। कल से मैं खिड़की दरवाज़ा बंद करने से पहले पूरा घर देख लूँगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है? सविता ने सुभद्रा जी की बात को काटते हुए कहा। अरे सविता, ऐसा नहीं कह रही मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा दरवाजे के पास एक औरत का साया, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चमकती आँखें मुझे ही देख रही थी। जब राजीव ने मुझ पर टॉर्च मारी तो मैंने एक पल के लिए राजीव को देखा और उस औरत की ओर इशारा किया, पर जैसे ही मैंने दरवाजे के पास फिर से देखा तो उस औरत की जगह वो बिल्ली आ गई। डर के मारे मैं कुछ कह ही नहीं पाई, सुभद्रा जी ने बताया। अरे माँ जी, हॉल में अंधेरा था और शायद अंधेरे की वजह से आप बिल्ली को औरत समझ बैठी हों, सविता ने समझाते हुए कहा। तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ? बिल्ली नीचे ज़मीन पे थी और मैंने जिसकी आंखें देखी थीं वो बिल्कुल मेरे ही सामने, तकरीबन मेरी ही हाइट पे थी, सुभद्रा जी ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा। माँ जी, आप शांत हो जाइए और चलकर सो जाइए, बाकी की बातें कल करेंगे, रात के 12 बज गए हैं, सविता ने सुभद्रा जी की बात को टालते हुए कहा और सुभद्रा जी को उनके रूम में भेज दिया और खुद जाकर सो गई। रात के तकरीबन 3 बजे होंगे कि अचानक से पानी के टपकने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर सविता की आंखें खुल गई। आधी नींद में उठी और बर्तन धोने वाली सिंक का नल बंद किया, और जैसे ही वो उसके बाद वापस जाने लगी कि तभी उसके ऊपर कुछ गिरा। वो अभी भी आधी नींद में ही थी, इसीलिए उसने हाथ को थोड़ा दीवार पर मारते हुए लाइट ऑन करी, और जब उसने देखा कि उसके ऊपर क्या गिरा है तो उसके डर का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने देखा कि उसके ऊपर खून गिरा था। उसकी हालत ख़राब हो गई। बहुत ही डरते डरते उसने ऊपर सीलिंग की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो मानो अभी देख ही रही थी कि तुरंत लाइट चली गई। इस वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर से उसके ऊपर कुछ गिरा। उसने इस बार थोड़ा ध्यान से देखा तो इस बार भी उसके ऊपर खून गिरा था। ये देखकर उसका तो मानो खून ही जम गया था। उसने एक बार फिर से डरते डरते ऊपर की ओर नज़रें उठाना शुरू किया। वो यही चाहती थी कि उसे ऊपर कुछ भी ना दिखे, लेकिन जो उसने ऊपर देखा उसे देखकर उसकी हालत ही ख़राब हो गई। उसने देखा कि ऊपर सीलिंग फैन पे एक औरत बैठी हुई है जिसके बाल लहरा रहे हैं और उसकी आंखें काफ़ी तेज चमक रही हैं और मुंह में से खून टपक रहा था। इससे पहले सविता चीख पाती या फिर कुछ भी कर पाती, वो औरत पंखे पे से सविता के ऊपर ही कूद पड़ी। उसके बाद
क्या हुआ किसी को नहीं पता। सुबह हुई और जब सुबह के 5 बज गए तब सबकी आंख एक अजीब सी बदबू की वजह से खुल जाती है। सुभद्रा जी अपने रूम से निकलकर बाहर आती हैं। सविता, ओ सविता, ये बदबू कैसी है? सुभद्रा जी ने सविता को आवाज़ लगाई। उतने में ही तान्या और राजीव भी नीचे आ गए। क्या हुआ मम्मी जी, ये बदबू किस चीज़ की है वैसे? तान्या ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा। पता नहीं बेटा, मेरी नींद भी इसी बदबू की वजह से खुली है। सविता को बुला रही हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही। चलो किचन में चल के देखते हैं। सभी लोग किचन की तरफ बढ़े और जैसे ही किचन में पहुँचे तान्या और सुभद्रा जी की चीख निकल पड़ी और दोनों भागते हुए बाहर आ गए। राजीव मानो वहीं पे मूर्ति बन के खड़ा हो गया और उधर ही उस खौफनाक मंजर को देखता रहा। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और खून के बीच में पड़ी थी बिल्ली, और ये वही बिल्ली थी जो कि रात को दिखी थी। किसी ने बिल्ली को बीच में से नोच खाया था जिसपे मक्खियाँ उड़ रही थी। राजीव ये देखकर बाहर चला गया। पूरे घर में बदबू फैल चुकी थी और अभी तक सविता का कोई अता पता नहीं था। सबने पूरे घर में उसे ढूंढा लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिली। बदबू अब बढ़ती जा रही थी। आखिर में राजीव और तान्या ने मिलकर बिल्ली को एक थैली में बंद किया और खुद खून को साफ किया। सुभद्रा जी हॉल में सोफे पर बैठी थी और उनके दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। वो गहन सोच में डूबी हुई थी। तभी राजीव की आवाज़ से वो चौंक गई। तान्या तुम एक काम करो, घर की सारी खिड़कियाँ खोल दो ताकि ये बदबू बाहर चली जाए और मैं रूम फ्रेशनर छिड़क देता हूँ। बाद में हम इस बिल्ली को हाईवे के पास किसी सुनसान जगह पर फेंक के आ जाते हैं, राजीव ने हॉल में आते हुए कहा। तान्या ने सारी खिड़कियाँ खोल दी, फिर ऊपर अपने कमरे की खिड़की खोलने गई तो खिड़की खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी। राजीव और सुभद्रा जी इस खौफनाक चीख को सुनकर ऊपर भाग के गए तो देखा तान्या बेहोश पड़ी थी। राजीव ने उसे उठा के सोफे पे लेटाया। माँ जल्दी पानी लेके आइए, राजीव ने तान्या के हाथ को मसलते हुए कहा, पर सुभद्रा जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। राजीव ने देखा तो वो बाहर खड़ी एक टक देखे जा रही थी और उनके चेहरे के भाव ऐसे थे कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया हो। राजीव ने जैसे ही अपनी नज़रें बाहर की ओर घुमाई तो उसकी भी हालत ख़राब हो गई। राजीव ने देखा सामने पीपल के पेड़ के ऊपर सविता की लाश लटक रही थी और ऐसे हिल रही थी मानो कोई झूला झूल रही हो। राजीव भागकर नीचे दौड़ा। सुभद्रा जी तान्या को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। राजीव पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कि सविता की लाश उसके करीब 10 फीट ऊपर थी और उसके मुंह और हाथों में से खून टपक रहा था। इतनी ऊपर, ये कैसे हो सकता है? राजीव सोच ही रहा था कि तभी पड़ोस वाले लोग आ गए। सब देखकर चौंक गए। राजीव तुरंत हॉल में गया और पुलिस को कॉल कर दी। तान्या को भी होश आ गया और वो नीचे आकर राजीव से लिपटकर रोने लगी। आधे घंटे तक पड़ोसी वहीं पे खड़े खड़े उस लाश को घूरते रहे और राजीव और तान्या भी। तभी पुलिस आ गई। भीड़ को एक तरफ करके इंस्पेक्टर मनोज राजीव के पास आए। कहाँ है लाश? मनोज ने पूछा। सर उधर देखिए, राजीव पीपल के पेड़ के पास इशारा करते हुए कहा। लाश को देखकर मनोज भी एक बार को थोड़ा घबरा गया। बड़ी मशक्क़त के बाद लाश को नीचे उतारा गया। मनोज ने लाश की बारीकी से जांच की। हाथ और मुंह पे खून लगा हुआ था। समझ ही नहीं आ रहा था कि लाश को ऊपर तक ले जाया कैसे गया होगा। मनोज ने कांस्टेबल को कहा, थोड़ी देर बाद फोरेंसिक टीम यहाँ पहुँच जाएगी लाश का मुआयना करने के लिए। मनोज पूछताछ करने के लिए राजीव के पास पहुंचा। तो राजीव जी शुरू से सब बताइए, क्या क्या हुआ? मनोज ने कहा। राजीव ने बीती रात की सारी घटनाएं बता दी। क्या मरी हुई बिल्ली आपके घर में थी?
और वो भी खून से लथपथ। मनोज ने थोड़ा आश्चर्य होते हुए पूछा, राजीव कुछ बोलता कि फोरेंसिक टीम से डॉक्टर आहूजा वहाँ पे आ गए और साथ में एक बूढ़ी औरत जो कि राजीव के घर के बगल में ही रहती थी। ये सब किसी आत्मा का काम है, इस घर में आत्मा का साया है, उसी ने सब किया है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो बूढ़ी औरत एक सांस में बोल गई। हाँ राजीव, जब से हम यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है, ज़रूर इस घर पर किसी का बुरा साया है, सुभद्रा जी ने कहा। मनोज कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर आहूजा बीच में बोल पड़े, कोई आत्मा का चक्कर नहीं है, इसको ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है बस। मनोज, इस लड़की को बुरी तरह मारा गया है, ये एक ब्रूटल मर्डर है, उसके पैर और हाथ की हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं और गले की हड्डियों का तो नामो निशान ही नहीं है, मानो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्हें फाड़ के निकालने के भी कोई निशान नहीं है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मानो उसके गले की हड्डी कभी थी ही नहीं। और उसके हाथों और मुंह के अंदर मुझे किसी जानवर के बाल मिले हैं, ये बात तो फोरेंसिक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि वो किसके बाल हैं। वो बाल बिल्ली के हैं, मनोज ने बात को काटते हुए कह दिया और सब लोग चौंक गए। क्या तुम्हें कैसे पता, डॉक्टर ने पूछा। मनोज ने सारी बातें बता दी, मतलब मनोज, मरने से पहले इस लड़की ने एक बिल्ली को मार के खाया है, यही कह रहे हो तुम, डॉक्टर ने कहा। क्या सर, कोई बिल्ली को कैसे खा सकता है, वो भी ऐसे बीच में से फाड़ कर, मनोज ने पूछा। ये केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, ऐसा लगता है कि इस लड़की को पहले किसी ने हिप्नोटाइज किया होगा और हिप्नोटाइज करने के बाद उससे ये सब उल्टे काम करवाए हैं, बड़ी ही चालाकी से उसके बाद उस लड़की को मार दिया गया है ताकि सबको लगे कि ये कोई आत्मा का चक्कर है, डॉक्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इतना सब कुछ हो गया और आप सभी लोग चैन की नींद सोते रह गए, कहीं ये खून आप सबने ही मिलकर तो नहीं कर दिया है, मनोज ने राजीव को घूरते हुए पूछा। अब तक चुप बैठी तान्या बोल उठी, आपको हम खूनी लगते हैं? हम सब शरीफ लोग हैं सर। वो तो हम पता लगा लेंगे कि कौन कितना शरीफ है, मनोज ने थोड़ा टॉन्ट करते हुए कहा। उसके बाद वो लोग लाश का पंचनामा करके वहाँ से चले गए। शाम हो चुकी थी और पूरे घर में मानो ऐसी शांति थी जैसी किसी मुर्दा घर में होती है। सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। तीनों हॉल में बैठे सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया, जब बेचारी को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी हम उसके साथ नहीं थे, सुभद्रा जी ने रोते हुए कहा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो मर चुकी है, तान्या ने कहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पता कैसे नहीं चला कि ये सब हो गया, राजीव ने परेशान होते हुए कहा, क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं आत्मा का है, तान्या ने कहा। क्या बकवास कर रही हो यार तुम, पढ़ लिख कर ऐसी बातें करती हो, वो बुढ़िया की बात मान रही हो तुम, डॉक्टर ने कहा ना, हो सकता है उसे ये सब हिप्नोटाइज करके करवाया गया हो, राजीव ने डांटते हुए कहा। अच्छा तो ये बताओ, लाश इतनी ऊपर कैसे पहुंची, कोई इंसान किसी को पेड़ पर 20 फुट ऊपर कैसे टांग सकता है, तान्या ने गुस्से से कहा। वो तो पुलिस पता लगा ही लेगी, राजीव ने कहा। उधर इंस्पेक्टर मनोज अपने केबिन में बैठे सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर विशाल आ गए। सर, मैंने राजीव, तान्या और सविता की कॉल डिटेल्स निकाल ली हैं, लेकिन कुछ खास नहीं मिला है, विशाल ने कहा। इससे पहले मनोज कुछ कहता उसका फ़ोन बजने लगा, देखा तो डॉक्टर आहूजा का कॉल था। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए, मनोज ने कहा। मनोज, तुम्हें सुनकर धक्का लगेगा, शायद हो सकता है तुम विश्वास भी ना करो, बट मैंने सविता की बॉडी चेक की तो पता चला कि उसके शरीर में दिल ही नहीं है। क्या सर, क्या सर, आप होश में तो हैं, आपको पता है ना आप क्या कह रहे हो, मनोज ने सवालों की बौछार कर दी। हाँ मनोज, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने ये देखा, लेकिन ये सच है, बिना बॉडी को काटे किसी का दिल निकालना इम्पॉसिबल है, आगे मुझे जो भी पता चलता है मैं तुम्हें बताता रहूँगा, ये कहकर डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। और ये बात सुनकर मनोज की भी अब हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, उसकी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा केस था जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है।
तान्या अपने बेडरूम में सोच में डूबी हुई थी, तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजीव, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ, उसने ये कहा, लेकिन फिर भी दस्तक जारी रही। माँ जी, आप हो क्या? कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि उसका वहम है और दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़ी तो उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। तान्या बहुत सी जोर से चिल्लाई और वहीं पर बेहोश हो गई। इस बंगले में आखिर ये सब क्या हो रहा था, क्यों हो रही थी ये सब घटनाएं? यह आपको पता चलेगा शनिवार को आने वाले इस कहानी के दूसरे पार्ट में। अगर आपको ये कहानी अब तक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसका सेकेंड पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक बार आप क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज चैनल को भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।